गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट TVS क्लास 5th, चैप्टर है 5, लेट्स प्ले गेम्स का पार्ट नंबर है 8। तो इसमें करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ। What are the significance What are the significance of games of games इन आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ में गेम्स की क्या इम्पोर्टेंस है या गेम्स का क्या महत्व है, गेम से क्या क्या फ़ायदा होता है, ये हमें इसमें बताना है। तो इसमें पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। आंसर देखो, इसमें फर्स्ट लिखेंगे बाय Playing games, तो सबसे पहले है कि by playing games we remain healthy। हम कैसे रहते हैं, हम रहते हैं, remain में से होता है रहते हैं, healthy। अब next point लिखेंगे, games make us energetic। गेम्स जो होते हैं वो हमें कैसा बनाते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं, हम में क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। energetic, एनर्जेटिक। थर्ड है, गेम्स मेक हेल्दी तो बनाते ही हैं, गेम्स हमें ब्यूटीफुल भी बनाते हैं ना, तो गेम्स मेकर्स ब्यूटीफुल, गेम्स से हम ब्यूटीफुल भी बनते हैं। नंबर फोर्थ लिखेंगे, गेम्स टीचेस अस टू बी स्किलफुल। गेम्स टीचेस अस टू बी स्किलफुल, इससे हमें क्या आ जाती है, स्किल आ जाती है, तो हम कैसे हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं। और इसके अलावा गेम्स डेवलप ब्रदरहुड, गेम्स से ब्रदरहुड मतलब भाईचारे की जो भावना होती है वो आती है हमें। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाई इज मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। व्हाई इज मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट Why is meditation important for an overall development of a student? तो इसमें यह पूछा है कि students जो होते हैं उनके लिए मेडिटेशन किस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरह से होता है मेडिटेशन करने से।
तो इसमें लिखेंगे मेडिटेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट ऑफ लिविंग एंड डेवलप अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. मेडिटेशन leads to the development of an art of living and develops a positive approach and develops a positive approach towards life. तो इसीलिए ये क्या है, वेरी इम्पॉर्टेंट है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एंड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट तो इसमें क्या पूछा था कि वाई इज मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन ऑफ अ स्टूडेंट. तो मेडिटेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट ऑफ लिविंग. एंड डेवलप्स अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये आंसर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2. क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो क्या होती है. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आंसर, when more than one player play together. जब एक से ज़्यादा प्लेयर्स जो होते हैं वो साथ साथ खेलते हैं तब क्या होता है. अ फीलिंग ऑफ नेचुरल कोऑपरेशन इज जनरेटेड. नेचुरल कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, इज जनरेटेड. जनरेटेड मतलब जनरेट होता है, आता है. एंड इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, और ये जो होता है वो क्या कहलाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहलाती है. इट इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. इट मीन्स व्हाट इज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है कि व्हेन मोर देन वन प्लेयर, जब एक से ज़्यादा प्लेयर प्ले टुगेदर, मोर देन वन प्लेयर जो होते हैं वो खेलते हैं, तब एक फीलिंग आती है नेचुरल कोऑपरेशन की, है ना. मतलब कि हमें नेचुरली ऐसी भावना आती है कि हमें मिलजुल करके खेलना चाहिए, जनरेट होती है, भावना पैदा होती है, और ये जो होती है क्या कहलाती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहलाती है. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो चुका है. अब है क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, हाउ मैनी टाइम्स
हाउ मैनी टाइम्स इन अ मिनट इन अ मिनट अ हेल्दी पर्सन कैन ब्रीथ कैन ब्रीथ। तो इसमें क्या पूछा है, ये एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो आंसर क्या होगा, कितनी बार सांस लेता है, वो लेता है अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स नॉर्मली 50 to 20 टाइम्स इन अ मिनट। अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट 15 to 20 टाइम्स। तो यह इसका आंसर कि 15 to 20 टाइम वो सांस लेता है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं और जब हम दौड़ते हैं बट व्हेन वी रन, तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट जो होती है वो क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती है। बट व्हेन वी रन आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज। तो इसमें आपको जितना पूछा है उतना ही आंसर लिखना है कि 15 to 20 टाइम्स इन अ मिनट हेल्दी पर्सन जो होता है वो सांस लेता है। तो आपको जो ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कराए हैं ये समझ में आ गए होंगे। आपको इन्हें क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, नोट करना है और लर्न करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे और अच्छे से इनको लर्न करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।